नमस्कार। यूपी के सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र और आज के मुख्य समाचार। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। स्टेट यूनिवर्सिटी में जोड़ा जाएगा डिफेंस पाठ्यक्रम। अलीगढ़ में सीएम योगी बोले, जेवर एयरपोर्ट बनने से 1.5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी 27 नवंबर को गोरखपुर का करेंगे दौरा। प्रबुद्ध सम्मेलन और सामूहिक विवाह में शामिल होंगे। 3000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। 27 को अयोध्या आएंगे सीएम योगी, 6 घंटे रहेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रामायण मेले का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी के सीएम आदित्यनाथ 27 नवंबर को अयोध्या आ रहे हैं। वे सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा कर रामकथा पार्क में 4 दिवसीय रामायण मेला का उद्घाटन करेंगे। वे अयोध्या के सुबह 11 बजे से 3 बजे तक रहेंगे। इसके बाद उनकी वापसी की अभी समय सीमा तय नहीं है। 27 नवंबर को अयोध्या में शुरू होगा 41वां रामायण मेला। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल, तृप्ति साख, सोजिल पांडे रामायण मेले की देंगी सांस्कृतिक कार्यक्रम। मंगलुरु ब्लास्ट में मंजूनाथ मंदिर था टारगेट, केंद्रीय मंत्री का दावा। आरोप, शकील ने ISIS से ट्रेनिंग भी ली है और 40 लोगों को ट्रेनिंग दी भी है। भाजपा का आरोप, राहुल की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कांग्रेस बोली, भाजपा के साथ सीएम ने कहा कार्रवाई होगी। यूपी की बड़ी खबरें, गाजियाबाद में 17 मंजिला इमारत होगी ध्वस्त। मर्लिन सोसाइटी में 114 का परमिशन लेकर बनाए 257 फ्लैट्स। यात्रा कर रहे बुजुर्गों और महिलाओं को दे सम्मान। रेलवे सुरक्षा बल के ऊपर महानिदेशक ने जवानों को दिए यात्रियों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का निर्देश। छात्रों के साथ धरने पर बैठी सपा विधायक पल्लवी पटेल बोली, छात्रों का आंदोलन अब मेरा है, मैं लड़ाई उनके हक की लड़ाई लड़ूंगी। एडीएम जल निगम में अधिकारियों को लगाई फटकार। गंगा में प्रदूषण करने वाली कंपनियों के अधिकारियों पर दर्ज होगा FIR, जाएंगे सभी जेल। स्कूल शिक्षा महानिदेशक अचानक GIC पहुंचे, निरीक्षण में खामियां दिखी तो फटकार भी और अच्छाई की तारीफ भी की, बेहतर टीचिंग के टिप्स भी दिए। आम्रपाली के गहने मोबाइल पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाले। एक्ट्रेस बोली, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मिल जाएगी, होटल से चोरी हुई सामान। हनुमानगढ़ी भंडार घर में एक साथ 2500 संत करेंगे भोजन। श्री महंत मुरलीदास ने संतों ने सहित किया निरीक्षण, बोले मंदिर का विशाल धर्मशाला ही बनेगी। अयोध्या में 1357 जोड़ों ने रचाई शादी, एक ही पंडाल में पंडितों ने मंचोचारण के साथ वर वधू को दिलाए फेरे तो मौलवी ने पढ़ा निकाह। अयोध्या के 11 मंदिरों में 5 दिवसीय राम विवाह महोत्सव शुरू। रामचर्चा पूजन के साथ आरंभ हुआ महोत्सव, देश भर से पहुंचे रहे भगवान के लिए उपहार। प्रवासी पक्षियों को लुभा रही मथुरा, ठंडी शुरू होते ही 30 दिवसों से आ रहे विदेशी पक्षी, यमुना के घाटों पर लगा जमावड़ा। अमेठी में निकाय चुनाव का बहिष्कार, वार्ड के बाहर लगा बोर्ड, बहिष्कार का बोर्ड विकास कार्य न होने से नाराज है जनता। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के आवासों का होगा मूल्यांकन। लखनऊ विजिलेंस के निर्देश पर DM ने 4 सदस्यीय जांच टीम का किया गठन। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति का इंटरव्यू, प्रो आलोक बोले, 50 देशों के 800 स्टूडेंट ने लिया दाखिला, 23 लाख देकर ONGC का कर रही हायरिंग। कल राजभवन घेरेंगे किसान, बिजली फ्री करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन का ऐलान। आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नरेट लागू, अब कर्फ्यू, लाठीचार्ज और धारा 144 लगाने जैसे फैसले पुलिस स्वयं ले सकेगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मनाया 102 का स्थापना दिवस, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समारोह में हुए शामिल, 6 बेस्ट एलुमनाई को किया गया सम्मानित। पुलिस व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम, कमिश्नरेट पुलिस पेंशनर की 19वीं वार्षिक अधिवेशन के DGP बोले, समस्याओं के निस्तारण के लिए डेडिकेटेड है। आगरा में बाउंसरों ने सिक्योरिटी स्टाफ को पीटा, सिक्योरिटी ऑफिसर ने 3 नामजद समेत 7 के खिलाफ थाना सिकंदरा में दर्ज कराया मुकदमा। खुले में कूड़ा फेंकने पर 1 लाख तक का लगेगा जुर्माना, वाराणसी का नगर निकाय दुकानदारों पर करेगी सख्ती, एक्शन प्लान बना। काशी तमिल के पूर्वजों का DNA एक, तेलंगाना की गवर्नर बोली, दक्षिण में गूंजते हैं 2 धाम, काशी और रामेश्वरम धाम। काशी विश्वनाथ धाम में गुजा पुलिस प्रशासन का मुर्दाबाद, सिपाही पर लेखपाल की पिटाई का आरोप, किया गया बर्खास्त।
फौजी की पत्नी की चेन लेकर भागी मिला। उतरते वक्त गले से निकाल ली चेन, उल्टी आ रही दिशा बोलकर बीच रास्ते में रुकवाया था ऑटो। 10 दिन बाद आईटीआई आईआईटी कानपुर में दिखा तेंदुआ। गर्ल्स हॉस्टल के पास रात में चहलकदमी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उद्यमियों के डीएम ने सामने रखी शिकायतें। दादा नगर में बन रही शराब के बोतले के अवैध बार कोड की जानकारी उद्यमियों ने मांगी। हल्दी की रस्म में दो लड़कियां तेजाब से झुलसी। नशा शराब में होती पर नाचते नाचते महिलाओं ने एसिड भरी बोतल फेंकी। 12वीं पास के लिए लखनऊ कंटोनमेंट बोर्ड में नौकरी। 10वीं स्टूडेंट एचटीएचडी ईसी इंडिया लिमिटेड में कराए अप्लाई, मिलेगा 50,000 तक सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। 12वीं की परीक्षा पास किए युवाओं के लिए बोर्ड का बिहार पुलिस एग्जाम डिपार्टमेंट 704 पदों की आवेदन मांगे हैं। 10वीं और आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टीएचटीसी इंडिया लिमिटेड में 100 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है। मेरठ में आबादी के बीच पहुंचा सांभर। 3.5 घंटे बाद जाल में फंसा सांभर कैंट के जंगल में छोड़कर आई वन विभाग टीम। अतीत की 6.6 करोड़ की संपत्ति कसारी मसारी में अवैध कमाई में खरीदी थी। जमीन अब तक 1637 करोड़ की प्रॉपर्टी पर हुई कार्रवाई। वृंदावन में सूरदास महोत्सव का आयोजन। चौधरी लक्ष्मी नारायण बोले, शास्त्रीय नृत्य का संगीत है ईश्वर से जुड़ने का है माध्यम। और इसी के साथ धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट।